वेलकम बैक टू नीतूज वजी किचन। नीतूज वजी किचन में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज की रेसिपी आप पूड़ी, पराठा, डोसा, वड़ा, इडली, राइस किसी के साथ भी खाएंगे ना, आपको बहुत ही टेस्टी लगने वाली है और बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती है। तो आइए झटपट बनाते हैं इस रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली, इसे गैस पर रख दिया, गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया। इसमें 4 चम्मच के लगभग बेसन डालूंगी। बेसन मैं बड़े 4 चम्मच ले रही हूँ। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भुनेंगे। ज्यादा देर तक नहीं भुनना है, सिर्फ 2 मिनट तक इसे रोस्ट करना है और गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे हम एक साइड रख देते हैं। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच के लगभग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ सरसों के तेल का यूज कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग। यहाँ मैंने बहुत ही थोड़ा सा हींग का यूज किया है। इसके बाद 1 चम्मच के लगभग चने की दाल, चने की दाल धुली हुई चने की दाल है, साथ ही साथ 1 चम्मच धुली हुई उड़द की दाल डालूंगी। इसके बाद 1 चम्मच के लगभग जीरा डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम इस वक्त बिल्कुल लो रखेंगे ताकि जो हम मसाले डाल रहे हैं ये जले नहीं। थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे, करी पत्ता जरूर डालें। इसके बाद इसको जो अच्छे से क्रैकल होने लग जाएगा तो इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। इसके बाद मैं 1/2 चम्मच के लगभग काली वाली सरसों का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास वही अवेलेबल है। आप इसकी जगह राई, जो रेड वाली सरसों होती है, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ 1/4 चम्मच के लगभग अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। ये मार्केट वाला है, आप घर का फ्रेश अदरक भी यहाँ पर कद्दूकस करके यूज कर सकते हैं। जब सारे मसालों को फ्लेवर ऑयल में आ जाए तो यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज की प्याज ली थी, इनको स्लाइसेस में कट कर लिया। ये देखिए बारीक बारीक ऐसे स्लाइसेस में कट करना है। ये देखिए ऐसे ही इस प्याज को आप भी कट करें। तो 4 मीडियम साइज की प्याज थी, बड़ी हो तो आप 2 प्याज का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब उसे ऑयल में डाल देंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर लेंगे और उसे सौते करेंगे तब तक जब तक प्याज का कच्चापन दूर ना हो जाए, प्याज हल्की सी पिंकिश हो जाए और प्याज का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए, प्याज की मिठास अच्छे से रिलीज होने लग जाए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ऐड करूंगी 1/2 गाजर। गाजर मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर ले और ये टोटली ऑप्शनल है फ्रेंड्स। आप चाहो तो इसमें डालो, चाहो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर शिमला मिर्च का यूज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने गाजर का यूज किया है। अब इसे हम अच्छे से पक जाने देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मैंने मीडियम रखा है, अभी हाई नहीं किया है। जब 3 से 4 मिनट हो गया है, प्याज हमारी अच्छे से कुक हो गई है, तो मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर डालूंगी 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर देगी मिर्च का यूज करूंगी। आप नॉर्मल मिर्च का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा करें। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें क्योंकि मसाले ड्राई हैं वरना जल जाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं डालूंगी 2 टमाटर, 2 मीडियम साइज के टमाटर थे, इसे हमने चॉप कर लिया है। इसमें डालेंगे नमक, नमक मैंने 1 चम्मच के लगभग नमक डाल दिया है। अगर आपको लगता है कि मसाले जल रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, पर मेरे मसाले जल नहीं रहे थे, मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। इसे लिड से कवर करके 2 मिनट के लिए अलग रख देते हैं। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, जो हमने बेसन यहाँ पर भून के रखा था, ये अच्छे से ठंडा हो गया है, जिसको हमको अच्छे से ठंडा कर लेना है। गर्म बेसन बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल सा बेसन हो, जैसे पैकेट से निकालते हैं वैसा होना चाहिए बेसन यहाँ पर। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कप, आप देखिए 2 कप मैंने पानी डाल दिया, 3 कप टोटली, मैं यहाँ पर 4 कप के लगभग पानी मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने टमाटर यहाँ पर अच्छे से कुक करने के लिए रखा था ना टमाटर प्याज, ये भी देखिए अच्छे से पक गया है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर बेसन घोल करके रखा है ना, गैस की फ्लेम को हमें कर देना है लो और बेसन को बहुत अच्छे से मिक्स करते जाना है। और ये देखिए हमने कढ़ाई में डाल दिया है, अब गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए इस में, तो फिर हम इसको एक लिड से कवर करके गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ 5 से 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए अच्छे से ये पक गया, अच्छे से इसमें उबाल आने लग गया है। बेसन का कच्चापन हमने ऑलरेडी बेसन भून के निकाल दिया था। तो ये देखिए हमारा ये जो बॉम्बे चटनी है ये मोस्टली रेडी हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स की थिकनेस थोड़ी हमें ज्यादा चाहिए, थोड़ी गाढ़ी होती है चटनी, पतली नहीं होती है, जिसे हम और थोड़ा कुक कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी 1 चम्मच नींबू का रस, यानी एक छोटा नींबू था मैंने उसका रस निकाल लिया है, वो डाल दिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें आप यहाँ पर और इसे 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से पकने दें। और ये देखिए हमारी ये बॉम्बे चटनी बनकर के रेडी हो गई है। आप इसे रोटी, पराठा, राइस, इडली, वड़ा, डोसा किसी के साथ भी खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी
लगेगी फ्रेंड। अब आप इसे स्टोर करके एक हफ्ते तक के लिए ठंडा हो जाए तो इसे आप फ्रिज में आसानी से रख सकते हैं। जब भी आपको खाना है रूम टेम्परेचर पर करें या हल्का सा गर्म करके इसे आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।